अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन स्टफ की बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त चिकन की रेसिपी, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। देखने में तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और खाने में तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। जब आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, बच्चों के तो बहुत ही पसंदीदा होते हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। चिकन स्टफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 2 कप मैदा लेंगे और उसमें हम 1 टीस्पून ईस्ट ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे और 1 अंडा ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद 1/2 कप दूध ऐड करेंगे और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जितना पानी की ज़रूरत होगी पानी मिक्स करते जाएंगे और आटा गूंथ लेंगे। इतना सॉफ्ट गूंथेंगे आप उतना ही ज़बरदस्त किस्म के जो है स्टफ बन रेडी होंगे। अब इसको हम ऑयल लगाकर 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे ताकि खमीर हो जाए। एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे और एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, फ्राई कर लेंगे। इसके बाद प्याज फ्राई करने के बाद हम 1 टी स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं और 1 पाउच चिकन ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि बन चुका। इसके बाद हम थोड़ी सी मसाला ऐड करेंगे, 1 टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1 टी स्पून हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, काली मिर्च बारीक। इसके बाद हम इसमें 1 टी स्पून ब्लैक सॉस ऐड करेंगे, 1 टी स्पून हम चिली सॉस ऐड करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। 1/2 कप शिमला मिर्च बारीक कटी ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि भी जगह। इसके बाद हम इसमें चिली गार्लिक मटर पैसे ऐड करेंगे, उसका टेस्ट चाहिए मेरी गाय चिकन का टेस्ट करता है। हमारी जो चटनी है रेडी हो चुकी है। अब 1 घंटा गुजर चुका है, हम देखिए आटा कितनी अच्छी तरह पनीर हो चुका है। अब हम इसको इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, तकरीबन 6 से 8 पेड़े इसके हम बनाएंगे, इसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसके बन रेडी करते हैं। चलिए हम इसका पेड़ा बनाएंगे। सबसे पहले बेड़े बना लिए हैं। अब हम थोड़ा सा आटा जो है सरफेस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे ये आटा, एंड या इसको हम बेल लेंगे। इसके अंदर हम जो स्टफिंग हमने बनाई है वो ऐड करेंगे और इसको हाथ में उठाएंगे और इसको चारों तरफ से जो है बंद कर देंगे ताकि ये बाहर ना निकले और इसको हम गोल रोल कर लेंगे। इसी तरह हम जो सारे बन हैं वो रेडी कर लेंगे। ये सारे बन हमने रेडी कर लिए हैं। एक पैन में ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम सारे जो बन हैं वो सेट कर देंगे। ठीक है, ये बन देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ज़रूर बनाइएगा और रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके ऊपर अंडे की जो जर्दी है दूध में मिक्स की हुई वो लगाएंगे, इससे जो कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो हम सबके ऊपर ये लगाएंगे। लगाने के बाद इसमें हम थोड़ी सी चिरौंजी और थोड़ा सा जो है तेल वाइट वो डालेंगे। डालने के बाद एक पैन लेंगे, उसको हम प्रीहीट कर लेंगे 10 मिनट तक। इसके अंदर हम ये रखेंगे और इसको हम 25 से 30 मिनट तक उसमें बेक करेंगे बगैर ओवन के। आप जब इसे बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही मज़े के चिकन स्टफ बन रेडी हो चुके हैं।